नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये मेरा लेक्चर नंबर 27 है अकाउंटेंसी का कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, जो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए। वैसे ये सारे वीडियोज सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी अच्छे से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को इजी बनाने के लिए मैंने अपने सारे क्वेश्चंस को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, टॉपिक्स को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं कि 26 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और ये 27वां वीडियो है जिसके माध्यम से मैं क्वेश्चंस के एक और कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझते हैं जी बिहार बोर्ड क्लास 12 2020-21 का ये सेशन वाला वीडियो है, एक कंपनी अकाउंट लेक्चर नंबर 27। तो आइए एक एग्जांपल को हम लोग समझते हैं इसके माध्यम से। ए लिमिटेड ये कंपनी है, इसने इश्यू किया है 15,000 शेयर्स। तो ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड वर्ड नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन इशूड कैपिटल से शुरू हुआ है, ये साफ साफ क्लियर कर दिया है, कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू किए तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हर क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा हो कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है कि 15,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया और हर शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। हर शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया है और होल ऑफ द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे नहीं लेगी, सारा पैसा एक मुश्त एक बार में ले लेगी, एक बार में, वन इंस्टॉलमेंट में, वन टाइम पेमेंट वाला इश्यू है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, लमसम पेमेंट वाली बात है। आ जाओ, ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स बिक गए और कंपनी ने उसको अलॉट भी कर दिया। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए, तो इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट था कि ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हुआ था, तो कोई टेंशन की बात नहीं। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल लिखेगा, नहीं भी लिख सकता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आइए इसको इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कंपनी या कोई भी अकाउंट्स अगर आप बना रहे हो तो फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है, ये ए लिमिटेड। और बना क्या रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्रीज, हाँ, तो जर्नल एंट्रीज ए लिमिटेड बुक्स में जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ, मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ बोर्ड पे, आपको भी इसी तरीके से फॉर्मेट मेंटेन करना है और फॉर्मेट बनाने का आदत आपको बनाना होगा, स्केल का यूज करना है। अगर फॉर्मेट आप साफ सुथरा बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, मार्क्स भी आपको अच्छे से आएगा। पहला कॉलम है आपका डेट का, ठीक है, डेट का कॉलम है बट डेट लिख नहीं पाएंगे बिकॉज क्वेश्चन में किसी प्रकार का डेट मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, अगला जो कॉलम है पर्टिकुलर, ये सब कुछ लिखना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे तो फिर मार्क्स आपका कटेगा। ये है आपका LF, ये LF का कॉलम जिसको हम लोग लेजर फोलियो बोलते हैं। ये आपका डेबिट अमाउंट्स रुपीस, क्रेडिट अमाउंट्स रुपीस, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया पूरा तैयार। अब इस फॉर्मेट में आपको जो जर्नल एंट्रीज है उसको यहां डालना है। आइए, तो सबसे जो पहला एंट्री होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, तो यहाँ एक इंस्टॉलमेंट वाला इश्यू है तो शेयर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी अटैच जुड़ेगा, अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी लिखा जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो 15,000 शेयर्स था सर, 15,000 शेयर्स, हर एक शेयर 10 रुपए का और एक ही बार में सारा पैसा ले लेना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1,50,000। हाँ फ्रेंड्स, 15,000 × 10, 1,50,000, एप्लीकेशन के ऊपर इतना पैसा है। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ, पब्लिक से पैसा आया, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। एप्लीकेशन की वजह से पैसा आया तो हमने क्या लिखा, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट वर्ड यहाँ साथ में इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट है, यहाँ एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं है, अगर एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट होगा तो सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखते। हाँ जी, चलिए, तो फिर यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी
इज रिसीव्ड। हाँ जी, तो ये आपकी एंट्री हो गई एप्लीकेशन मैंने रिसीव करने की। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ जी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के पैसे को ट्रांसफर करेंगे कहां? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट हुआ, कितना? 150,000। 150,000, क्लियर? पहले हमने एप्लीकेशन में रिसीव किया, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग शेयर एप्लीकेशन, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिंग एप्लीकेशन मनी, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, यहां जगह नहीं था, सुन लीजिए, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, फिर इसको कहां ट्रांसफर किया? शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगे, जिसको मैं इसको और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी आप धीरे धीरे इसकी हैबिट्स बनाओ, धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करो। हाँ जी, तो ये रहा आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किसी क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं लिखा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो और साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि लगातार लाइव क्लास चल रहा है हमारे चैनल पर, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए। लाइव क्लास में आपको बेनिफिट ये है कि आपके सवालों का जवाब उसी वक्त मिलेगा और आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट्स है, उसको क्लियर किया जाएगा। तो आप जो अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, तो उनके लिए बिहार बोर्ड का जो क्लास 12 का अकाउंटेंसी का लाइव क्लास हर दिन चल रहा है, और उस लाइव क्लास को ज्वाइन करके आप जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को फिनिश कर लीजिए, ताकि 2021 में जो आप एग्जाम देंगे उसकी तैयारी आपकी पक्की हो जाए। अभी से लॉकडाउन है, आप कोचिंग जा नहीं सकते, स्कूल कॉलेज जा नहीं सकते, तो पढ़ने का जो माध्यम है बिहार बोर्ड का, ये पहला चैनल है गुडविल कॉमर्स का, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियोस बना रहा है, उनकी भाषा में, उनके तरीके से, उनको समझाने के लिए। ये जितने भी वीडियोस हैं, वो इतने आसान तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं आपके लिए कि आपको किसी भी हाल में समझ में आएगा। एक बार जुड़कर तो देखिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ हमारे सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।